OMR शीट फिल करने पर चार वीडियो हैं। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं अगर बीएड एंट्रेंस टेस्ट देता तो जो मैंने वीडियो बनाए हैं, मान लीजिए मैंने वो वीडियो देखे एज ए कैंडिडेट, तो मैं क्या क्या करता, तो वो वीडियो में है, वो इंस्ट्रक्शन मैं नोट करता और उनको ज़रूर लिख के रखता। एक मैं जो OMR शीट की प्रिंट कॉपी निकालता और जैसे प्रैक्टिस दी गई है वैसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करता, कंप्लीट नहीं अधूरी बेशक करता, और मैं देखता कि मुझे कौन सी गलतियां, मेरी कौन सी एरर हुई है, जो एरर मेरे से वहां होनी थी वो फाइनल में नहीं होगी, ये पक्की बात है। मैं इंस्ट्रक्शन जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई हैं वो ज़रूर रीड करता, अगर उस पर वीडियो है उसको अंडरलाइन करके अपनी डायरी में नोट करता। और मैं फर्स्ट टाइम ये देने लगा हूँ इसलिए थोड़ी सी एंग्जाइटी फियर है, वो फियर को कम करने के लिए मैंने यही बेटर है कि मैं एक बार प्रैक्टिस कर लूँ। मैं टाइम भी सेव करना चाहता हूँ, बिलो एवरेज पर्सन हूँ और मैं एक्यूरेसी भी, कोई क्वेश्चन मेरा गलत ना हो जाए ये ध्यान रखना चाहता हूँ। मैंने रीड कर लिया है कि ब्लैक बाल पेन ही यूज़ करना है और तीन पेन है, इनमें से इन्होंने कहा था कि पहला ये दूसरा तीसरा है, लेकिन मुझे दूसरे वाला जो ज़्यादा बेटर लगा तो मैंने वो तीन पेन खरीद लिए और थोड़े थोड़े चला के देख लिए कि ये रनिंग में हो जाएं और उनको साफ कर लिया एक दिन पहले। उन्हीं पेन को मैंने OMR शीट जो प्रिंट निकाली थी उन पर चला के सारा देखा। सबसे पहले मैंने डिटेल फिल करके देखी कि डिटेल कैसे फिल करनी है। डिटेल फिल करते हुए मैंने किन बातों का ध्यान रखा, पहले मैंने जो मटेरियल था मुझे क्या चाहिए था वो एक दिन पहले, तीन चार दिन पहले कलेक्ट कर लिया। दो तीन पेंसिल रख ली, उसके साथ तीन पेन रख लिए और एक वाइटनर रख लिया। यार उसमें तो कहा था कि वाइटनर नहीं रखना, यार पता नहीं मुझे टेंशन आएगा कुछ करना पड़ा तो रख लेता हूँ, पक्का पता है यूज़ नहीं करना। ओके, इरेजर बहुत अच्छा सा एक रख लिया, ब्लेड की कोई ज़रूरत नहीं है ये नहीं रखा। स्केच एक काला स्केच रख लिया, वैसे मैंने डर है, उन्होंने कहा था नहीं मुझे डर था इसलिए मैंने रख लिया। मेरा यूज़ क्या होना है, इरेजर होना है क्योंकि मैंने पेंसिल का प्रयोग करना है और ये तीन चीज़ें मेरी यूज़ होनी है। इसके अलावा मैंने स्केच का प्रयोग नहीं करना, अपने मन को कहा पेंसिल पेन इरेजर यही तीन बातें यही यूज़ करना है। चल डिटेल्स को फिल करने की प्रैक्टिस मैंने अलग से की, डिटेल्स जो बेसिक डिटेल है मैंने टॉप से ही स्टार्ट किया और मैंने लेफ्ट टू राइट, मेरे माइंड की आदत है ऐसे ही रीड करते हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं, ऐसे ही लिखते हैं, दैट इज़ वाई मैंने कई उनकी सलाह नहीं मानी, मैंने लेफ्ट टू राइट ही मूव करना सही समझा। और सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो रोल नंबर से एडमिट कार्ड था उसको OMR शीट के पास रखा, नज़दीक रख के, और पहले मैंने ये ब्लॉक फिल किए, ये वाले तो मैंने पहले इस ब्लॉक में फिल किए। वो कैसे किए कि ये स्लिप यहाँ पर रखी और मेरा रोल नंबर जो था मैंने उसकी चंकिंग कर ली, दो दो हिस्सों में बांट दिया, जैसे 3-4 पहले लिखा, फिर यहाँ से रीड किया 7-6, यहाँ पर 7-6 फिर लिखा, फिर है 7-7, यहाँ पर 7-7 ऐसे लिखा, लास्ट में 9-9 ऐसे लिख दिया। फिर उसको वेरीफाई किया कि ये ठीक है, हाँ मुझे ठीक लगा कि बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही मैंने सेट कोड, मेरा सेट कोड क्या है B, यहाँ पर मैंने B फिल कर दिया। ऐसे ही मैंने जो बाकी डिटेल थी सारी फिल कर ली पहले ब्लॉक्स में, यहाँ पर नेम फिल कर दिया धीरे धीरे से, किन बातों का ध्यान रखा कि ब्लॉक लेटर में लिखना है और स्पेस छोड़नी है और तेज़ी नहीं करनी, बेशक मेरा ही नाम है ना, मैंने लिख दिया TIRATH और यहाँ पर मैंने एक स्पेस छोड़ दी SINGH, ओके तो इसको छोड़ दिया। ये करके मैंने लास्ट में किया कि जो और कोई है, जैसे टेस्ट बुकलेट नंबर है, ये वे भी बिल्कुल सामने जो टेस्ट बुकलेट ये वाली थी इस पे है 17338, मैंने इसे चंकिंग में लिखा 17173333808 09 9,
ऐसे फिल कर दिया। तो ये सारे फिल करके बाद में मैंने क्या किया कि जो सर्कल एक बार वेरीफाई किया कि मैंने सही फिल किए हैं ब्लॉक में, उस पर चेंज करने की ज़रूरत है तो हाँ मैं वहाँ कर दूंगा, नहीं ज़रूरत पड़ी तो मैंने फिर इनके जो सर्कल फिल कर दिए सभी के जो फिल किए थे, सिग्नेचर कर दिए, अपने मदर का नाम, फादर का नाम, फ़ोन नंबर सभी ऐसे फिल कर दिया। और फिर मैंने राउंड सर्कल ये हो गया 1, ये हो गया 7। मैंने क्या किया, राउंड लाल बाहर लगाता हूँ और अंदर फिल कर देता हूँ। 3 3 दो थे तो मैंने कहा यार इकट्ठे हैं ये, इकट्ठे ही 3 3 कर देता हूँ क्योंकि 2 है टाइम बच जाएगा, ये 3 और ये 3 ऐसे हो गया। 3 3 करने के बाद मैंने 8 8 दूर जा रहा है ऐसे 8, ऐसे मैंने सारी प्रैक्टिस कर ली OMR शीट फिल। जब मैंने इंस्ट्रक्शन दोबारा पढ़ी जो लिखी थी वीडियो से, तो मुझे लगा कि यार ये बहुत फ़ायदा रहा कि एडमिट कार्ड नज़दीक रखना है और जो टॉकिंग करनी है, थोड़ी विस्परिंग करनी है, उससे मेरी एरर कोई नहीं हुई। और चंकिंग ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया, मैं फिक्स ही रहा, मैंने 2 पर ही फिक्सिंग कर ली। बेशक मैं वीक हूँ, मैं 3 पर कभी कभी मन करता था, लेकिन मैं 2 पर ही फिक्स रहा, क्योंकि जब मैं 2 और 3 में कंफ्यूज होता था तो मैं एरर करता था। फाइनल में मैंने 2 पर ही फिक्सिंग रखी। और पहले मैंने ब्लॉक लेटर ही फिल किए बिल्कुल, और मैंने ये राइट टू लेफ्ट, मैं लेफ्ट टू राइट जो जैसे मुझे अच्छा लगा मैंने वैसे किया, ये मैंने इनकी बात नहीं मानी, ऐसे मैंने सारी डिटेल कर दी प्रैक्टिस के बाद। मैंने प्रिंट निकाला OMR शीट का और उस पर प्रैक्टिस करनी शुरू की कि कैसे फिल करना है। फॉर एग्जांपल जो मैं बुकलेट सामने रखी एक, जिससे क्वेश्चन पढ़ने हैं, मैं अब क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ने के बाद मुझे लगा कि बी राइट आंसर है, तो यहाँ पर मैं वहाँ पर नहीं मैंने किया, यहीं टिक कर लिया। मैंने कहा कि यार यूनिट वाली अप्रोच बेटर है, पहले 30 क्वेश्चन जो है पहले वो मैं सॉल्व इसी पर कर लूँगा क्वेश्चन बुकलेट पर, तो मैंने वो सॉल्व कर लिए एक। और जो मुझे लगे कि यार बी और सी कोई एक हो सकता है, मैंने यहाँ डिफ़िकल्ट लिख लिया, और जहाँ पर मुझे लगता है कि बी मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है 90% 80%, तो वहाँ मैंने बी को बड़ा सर्कल लगा लिया और सी को छोटा सा निशान लगा लिया कि इस दोनों में मुझे कन्फ्यूज़न है। ऐसे 5 क्वेश्चन बच गए पहले सेट में। और फिर 30 करने के बाद मैंने जो था OMR शीट फिल करनी शुरू की। OMR शीट फिल करने के लिए मैंने जो अपनी शीट थी ये वाली, उसको सामने रखा और मैं फिंगर से बोल रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन उसका बी है, फर्स्ट बी। अब मैं साथ साथ में फिल कर रहा हूँ, फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड ए। ये भी हो सकता है कि मैं आधे सर्कल फिल करूं बाद में पूरे करूं, मुझे ये अच्छा लग रहा था। थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ ए, सिक्स्थ डी। ऐसे मैंने फिर सारे फिल कर दिए, और फिल करने के बाद ये खाली, जैसे 5 खाली रह गए, और फिर मैंने बबल जो थे पूरे फिल कर दिए, ये पूरे फिल कर दिए, कोई खाली नहीं छोड़ा, ये रहा ये। तो मैंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर ली कि मैं पहले निशान लगा लेता हूँ पेन से और फिर उसके बाद इसको फिल कर लेता हूँ। और ये जो डाउटेड हैं मुझे क्लियर नहीं थे, मैंने क्या किया कि उसको यहाँ पर पेंसिल से कर लिया है ना, पेंसिल से, तो जो 2 में कन्फ्यूज़न थी, तो मुझे लगा कि यहाँ पेंसिल का यूज़ करने के बजाय यहाँ पर निशान लगा लेता हूँ। तो इनमें से एक स्ट्रेटजी मैंने यूज़ की, पहली बार ये की कि यहाँ पर निशान लगाए, और क्योंकि रिकंसिडर करना था, रिकंसिडर करके बी की जगह पर सी हुआ, तो मैंने पेंसिल से इसको इरेज किया, ये रही पेंसिल और ये इरेज किया, और इसके बाद मैंने सी को राइट आंसर लगा दिया जब ये मैंने सेकंड राउंड में डिवीज़न की। तो ऐसे मैंने ये सारे फिल कर दिए।
एक बार फिल करने के बाद मैंने क्या कहा किया कि जहां पर यहां मैंने डी डी लिखा था, डी मीन ये मैं सॉल्व कर सकता हूं, मुझे कन्फ्यूजन है, मैं लास्ट 15 मिनट रह रहे थे तो मैंने वो डी वाले सॉल्व करने की कोशिश की, 10 मिनट उन पर लगाए और 5 मिनट अब रह गए। अब 5 मिनट और 20 क्वेश्चन मेरे पड़े हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो 5 मिनट में मैंने जल्दी से जो सर ने नुक्ते बताए थे मेरे माइंड में है कि जो सेंट्रल वाला ज़्यादा बेटर होता है, वो नुक्ते जो अगर यहाँ पर पहला एक्यूरेट ये भी है, ये भी डी है आ रहा, मान लीजिए पीछे भी डी आया है और यहाँ पर ए आया है, तो यहाँ मैंने तुक्का लगाना है। मैंने क्या किया कि यहाँ यार एक्यूरेसी आ रही है, इट मीन्स इस या इसमें तुक्का लगा दूँ क्योंकि यहाँ पर जो है खाली जा रहा है ना, तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया, दूसरा भी बी ही लगा दिया, दोनों में से एक तो ठीक होगा ही क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस तरह 150 मिनट हो गए है ना, मैंने ये रिहर्सल कर रहा हूँ और 150 क्वेश्चन मेरे पूरे हो गए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैंने सभी को टिक लगा दिया। एक बार शीट को देखा कि कोई अच्छी तरह, कोई अनफिल्ड ऐसे तो नहीं रह गया, अगर रह गया है तो उसको अच्छी तरह से भर दूँ, एक दो रहते थे ऐसे, मैंने उनको फिल कर दिया। इसके बाद जो सर ने मुझे स्ट्रेटजी बताई थी उनको रीड किया, तो मैंने कोई स्ट्रेटजी मिस तो नहीं की, अगर मेरी डिससेटिस्फेक्शन है तो मैंने देखा कि मैंने आउटसाइड बबल भी नहीं रखे, ओवरफिल्ड नहीं किए, कोई गैप नहीं छोड़ा, बैलेंस रखा है और क्रॉस या टिक नहीं लगाया, तो वाइटनर यूज़ नहीं मैंने किया, मैंने स्याही को करता रहा हूँ कि पेन जब 20-25 या 40-50 हो गए, अगर स्याही निकली तो मैंने पेन चेंज कर लिया था। और एक मैंने काम किया जो सर ने बताया नहीं था कि मैंने जब प्रैक्टिस की तो मैंने एरर अपनी एक लॉग बुक लगाई है, डायरी लगाई है कि मैं कौन सी गलतियाँ करता हूँ, कौन से अच्छे पॉइंट है, वहाँ लिख ली कि मैंने ये गलतियाँ की और इस बातों का फाइनल में ध्यान रखूँगा, तो उसका मुझे बड़ा फायदा रहा। इनमें से मैंने कौन सी अप्रोच यूज़ की, मैं बाउंड्री से सेंटर की तरफ और राउंड लगाते हुए मैंने सारे फिल किए, और मैंने चार अप्रोचेस थी, थिंक लाउड मैं साथ साथ में बोलता रहा, विस्परिंग करता रहा है ना, पेन और फिंगर का प्रयोग भी करता रहा, ये मैं बिल्कुल ठीक करके आया हूँ। और कहीं भी ओएमआर शीट पर मैंने कहीं भी यहाँ पर ऐसे कोई निशान नहीं लगाया, मेरी बिल्कुल साफ शीट थी, ये बहुत अच्छी बात रही मेरी। नेक्स्ट मैंने ये देखा कि अप्रोच कौन सी, मुझे ये वाली साइड बाय साइड वाली अप्रोच साथ साथ में फिल करनी, ये भी नहीं, और सारे फिल करके 150 के बाद मैंने फिल करने, ये भी नहीं ठीक लगी। मुझे ये यूनिट वाली अप्रोच सबसे अच्छी लगी क्योंकि यूनिट पहले ही उन्होंने बनाए हुए थे और 30 मैंने इस पर फिल किए, उसके बाद ओएमआर शीट पर 30 इस पर, ओएमआर शीट पर 30 इस पर, ओएमआर शीट पर, और डिफ़िकल्टी जो कन्फ्यूज थे वो इस बुकलेट पर ही नोट कर लिए। 15-20 मिनट पहले वो सॉल्व करने की कोशिश की, लास्ट 5 जो मिनट थे उसमें मैंने गैस वर्क लगाया कि सारे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, भैया फिल कर दो, अब कोई बात नहीं है। ये अप्रोच भी मुझे अच्छी लगी, ये भी अपनाई जा सकती है, लेकिन मैंने ट्राई इसी पर किया था। फैक्टर भी काम आए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, मैंने गैस वर्क लगा दिए है ना, और सर कहते थे शेयर करना, मैंने लॉग बुक वाली जो बात थी कि एक बार प्रैक्टिस करो, जब पिछला एग्जाम जो दिया था किसी ने, उसने बताया था मेरे से ये गलतियां होगी, मैं उस बुक में लिख लेता हूँ, तो वो बुक बड़े काम आती है, रिफ्लेक्शन बुक उसको बोलते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, डिफ़िकल्ट और स्किप्ड, ये इसने मेरे 5-7 मार्क्स पक्का बढ़ाए होंगे क्योंकि उन पर मैंने जब रीथिंक किया और कई क्वेश्चन आगे जाके उसका आंसर मिल गया था, पिछले क्वेश्चन 3 ऐसे थे उसका आंसर मिल गया, तो मैंने वो क्वेश्चन जो थे स्किप किए हुए थे, वो बी और सी में कन्फ्यूज़न थी, डी और ए में कन्फ्यूज़न थी, तो मैंने फाइनल करके पहले पेंसिल से डॉट लगाए थे, फिर उसको फाइनल पेन से कर दिया जब फाइनल हो गया है ना। प्रैक्टिस मैंने की, बहुत ठीक किया, मॉक टेस्ट भी दिया, उसका बहुत फ़ायदा रहा, और एक बार तो एग्ज़ाम लाइक कॉलेज चला गया और वहाँ बेंच पर बैठ के ये पेपर लिया और ओएमआर शीट ली, तो एग्ज़ाम लाइक सिचुएशन बन गई, तो वहाँ पर टाइम देखा और एग्जैक्ट वैसे ही फिल किया, इसका बहुत ज़्यादा। तो ये प्रैक्टिस करने से मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा और एक्यूरेसी भी और टाइम भी, मुझे लगता है कि
ये प्रैक्टिस करने से कम 10 मार्क्स बढ़ गए होंगे, क्योंकि मैंने टाइम बचा लिया, एक्यूरेसी और ओएमआर शीट फिल करनी आ गई, है ना। थैंक यू।